Asalaamu As everyone, welcome to Wakarab Grammar. You learn English with easy lessons. This is the seventh part of our series where we are learning phrasal verbs used in daily life. In this lesson, I'm going to teach you 10 phrasal verbs that start with the word break. Uh, these are very important phrasal verbs uh, not only for your spoken English uh, but also for the exams point of view because if you are preparing for any kind of exams, uh, any competitive exams, these phrasal verbs are going to be very important for you because they often appear in exams. I'm going to teach teach them in uh, detail so watch this lesson till and learn all these phrasal verbs once you watch this lesson inshallah you are not going to forget these phrasal verbs okay so let's begin uh, our first phrasal verb is break in break in means to enter into a building or room by force take okay? it uh room ke andar building ke andar the break in why are um, my brother breaks in my room

तो ब्रेक इन कहेंगे जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करें अब जैसे सेकंड इसका है कि व्हेन एवर आई टॉक टू सारा साहिल ब्रेक इन मतलब कि जब भी मैं सारा से बात करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ साहिल बीच में आ जाता है हमारी कन्वर्सेशन के बीच में कन्वर्सेशन को आके जो ना वो इंटरप्ट कर देता है ठीक है मतलब कि वो शायद उसको अच्छा नहीं लगता है कि सारा से कोई भी बात करे ठीक है मे बी ही लाइक सारा <laughs>

वीडियोस बनी हुई हैं कुछ लोग इसका एक मीनिंग है ये दो मीनिंग्स लिखे हैं ना इनमें से एक मीनिंग वो ब्रेक इन में एक्सप्लेन कर देते हैं और एक मीनिंग वो ब्रेक इन टू में एक्सप्लेन कर देते हैं ये दोनों मीनिंग में यूज होते हैं ब्रेक इन और ब्रेक इन टू ठीक है बट बट एक और भी मीनिंग है इसका वो है सडनली स्टार्ट डूइंग समथिंग ब्रेक इन टू ज्यादातर आपको ये जो थर्ड मीनिंग में आपको बता रही हूं ना ज्यादातर आपको इसमें सुनने को मिलेगा और स्पेशली एग्जाम्स में ये एग्जामिनर जो है ना वो चेक करने के लिए आपको थोड़ा सा ना कंफ्यूज करने के लिए वो थर्ड मीनिंग में आपको इस इसको इस प्रिजर्वर को आपसे पूछ सकता है ठीक है तो आप जो पीछे मैंने सेंटेंसेज बने ना ब्रेक इन के साथ उसी में ब्रेक इन की जगह पर आप ब्रेक इन टू यूज कर दीजिए सेम मीनिंग बनेगा ब्रेक इन यूज कीजिए ब्रेक

वो गाना सुनते हैं ना तो आप डांस करना शुरू कर देते हैं तो वेन अवर आई लिसन टू दिस सॉन्ग आई ब्रेक इन टू डांसिंग मैं जब भी ये गाना सुनती हूँ या सुनता हूँ ना मैं बस डांस करना शुरू कर देता तो सडनली आपने कोई चीज स्टार्ट कर दी ठीक है जैसे कि वेन आई खोल्ड हीम ही he broke into running. ठीक है मैंने जब उसको बुलाया तो उसने दौड़ना शुरू कर दिया कोई भी काम जो आप अचानक से शुरू कर दें तो उसके लिए ब्रेक इंटू कहेंगे वन आई खोल्ड हिम ही ब्रोक इंटू रनिंग ठीक है कि वो उसने दौड़ना शुरू कर दिया, उसने दौड़ लगा दी ठीक है तो ब्रेक इन ब्रेक इंटू ब्रे जो है ना वो आप यूज़ करेंगे जब भी कोई आप अचानक से बैठे बैठे अचानक से आप कुछ करने लग जाए जैसे आपने गाना सुना और आप अचानक से आप डांस करना शुरू कर दे तो यू ब्रोक इन टू डांसिंग ठीक है जी अच्छा जी नेक्स्ट है जी ब्रेक आउट ठीक है ब्रेक आउट के भी दो मतलब हैं इसका पहला मतलब यह है कि टू स्टार्ट समथिंग बैड सडनली कोई uh, बुरी चीज़ जो है कोई बुरा इंसिडेंट जो है वो एकदम से स्टार्ट हो जाए इसके लिए ये यूज़ होता है कोई वॉर स्टार्ट हो जाए खुदा ना ख्वासा दो कंट्रीज़ के बीच में तो ठीक है तो वॉर जो है ना वो ब्रेकआउट हो गई मतलब कि वॉर ब्रोकआउट ठीक है जो वॉर है वो एकदम से स्टार्ट होगी गई बिटवीन द बोथ कंट्रीज दो कंट्रीज के दरियान में द वॉर ब्रोकआउट ठीक है कहीं पे झगड़ा अचानक से स्टार्ट हो जाए ठीक है द फाइट ब्रोक आउट एकदम से जो ना वो झगड़ा उनके दरम्यान में स्टार्ट हो गया ये लड़ाई झगड़े के लिए ना ये जो सीनी अचानक से कहीं पर भी कोई झगड़ा कोई लड़ाई कोई दंगा फसाद कोई इस तरह की चीज़ें स्टार्ट हो जाए तो वहां पर हम ब्रेक आउट जो है ना वो यूज करते हैं एक है टू स्केप प्रिजन कोई जैसे कैदी होते हैं ना अगर वो भाग जाए किसी कैद खाने से प्रिजन में से जेल में से ठीक है तो उसके लिए भी ब्रेकआउट जो है ना रिजर्वर भी यूज़ होता है अब ये जो आपको ब्रेकआउट है ना ये आपको न्यूज़पेपर्स में बहुत मिलेगा क्योंकि न्यूज़ में जब इस तरह की न्यूज़ आती है ना कि वहाँ पे जंग स्टार्ट हो गई वहाँ पर दंगे स्टार्ट हो गए वहाँ पर ये हो गया वहाँ पर टे, टेररिस्ट अटैक्स स्टार्ट हो गए तो वो उसके लिए वो फिर ब्रेकआउट जो है ना रिजर्वर यूज़ होगा और अगर प्रिजन में से कोई भागा है कोई कोई भी ये मुजरिम वगैरह जो होते हैं तो वहां पर भी आपको ये मिलेगा ठीक है जी अरे जी सेंटेंस है ये जी राइट्स ब्रोक आउट ऑल ओवर द कंट्री दंगे फसाद जो है राइट्स जो है वो पूरे मुल्क में जो है ना वो एकदम से शुरू हो गए कोई रीजन हुई और किसी वजह से पूरे मुल्क में जो है वो दंगे फसाद शुरू हो गए अच्छा जी सेकेंड uh, मीनिंग में क्या है टू प्रिजनर्स ब्रोक आउट लास्ट वीक दो कैदी जो थे वो जेल uh, से भाग गए पिछले हफ्ते ठीक है जी अच्छा जी नेक्स्ट है जी ब्रेकअप ब्रेकअप सबको पता है अभी एक की बात सबके दिमाग में चल रही है मेरा उससे ब्रेकअप हो गया उसका उससे ब्रेकअप हो गया इधर ब्रेकअप हो गया उधर ब्रेकअप हो गया ठीक है क्या मतलब टू एंड ए रिलेशनशिप ठीक है ये पहला मीनिंग लिखा है मैंने टू एंड ए रिलेशनशिप आगे आपने देखा मैंने मीटिंग भी लिखा है कोई मीटिंग है ना जहाँ पर दो या तीन या चार या कुछ लोग इकट्ठे हुए हुए हैं और अगर वो खत्म हो जाए और लोग वहां से उठकर चले जाए तो इसका मतलब है कि वो मीटिंग जो है ना वो भी उस वो ब्रेकअप हो गया है उस मीटिंग का भी ब्रेकअप हो गया वहां पे भी लोगों का ब्रेकअप हो गया लोग एक दूसरे को छोड़ के अपने अपने घरों को चले गए ठीक है कोई पार्टी है कोई मीटिंग है वो एंड हो गई है तो वो उसके लिए भी आप ब्रेकअप यूज करेंगे अब जैसे कि सेकंड है टू डिवाइड समथिंग इन फेसेस कोई चीज जो है वो तो वो तीन चार छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई है तो वो भी ब्रेकअप हो गई है ठीक है वो चीज़ टूट गई है जैसे कोई वास या कोई भी चीज़ कोई ग्लास कुछ भी ज़मीन पे गिरा तो दैट आ, दैट ग्लास या दैट आ, वास जो है वो ब्रोकअप इन टू स्मॉल पीसेस वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया ठीक है अब इसको सेंटेंसेज हम बनाते हैं द मीटिंग ब्रोकअप एट फाइव पी एम जो मीटिंग थी वो शाम के पाँच बजे ख़त्म होगी एंड होगी और उस मीटिंग में जितने भी लोग थे वो उठ कर अपने ऑफिसिस में चले गए या अपने घर को चले जहां भी उन्होंने जाना था वहां पर चले गए ठीक है लोग दो तीन चार लोग किसी एक जगह पे इकट्ठे हुए और जब वो मीटिंग या वो पार्टी या जो वो कन्वर्सेशन वो खत्म हुई तो वो ब्रोकअप हुई या उस मीटिंग का ब्रेकअप हो गया ठीक है और लोग अपने अपने घरों को चले गए सेकेंड इज द टैटेनिक ब्रोकअप इन टू टू फीसेज जो टैटेनिक था वो दो हिस्सों में टूट गया था जब वो डूब रहा था ठीक है ओके जी नेक्स्ट है जी ब्रेक ऑफ ब्रेक ऑफ का मतलब भी यही होता है टू एंड अ रिलेशनशिप और कन्वर्सेशन ब्रेकअप का मतलब भी यही होता है टू एंड अ रिलेशनशिप ठीक है ब्रेक ऑफ का मतलब भी यही होता है कि कोई रिलेशनशिप जो है ना वो uh, खत्म हो जाए या कोई कन्वर्सेशन खत्म हो जाए फर्क इसमें ये देखिए एक तो है कि नॉर्मल जो रिलेशनशिप्स हैं पहले मैं आपको वो समझा देती हूँ जैसे कहते हैं कि लोग कहते हैं मेरा उससे ब्रेकअप हो गया ठीक है या आ, कोई कहता है कि मैंने उसे ब्रेकअप कर लिया तो वो लड़की कह सकती है कि आई ब्रोक अप विद हिम ठीक है कि मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया आई ब्रोक अप विद हिम लेकिन अगर इसी जुमले को आ, कहते वक्त आपने ब्रेक ऑफ का यूज करना है ब्रेक ऑफ या ब्रेकअप दोनों का मीनिंग इस सेंस में सेम है जब आपके कि आपका किसी के साथ आपने अपना ताल्लुक खत्म कर दिया जब किसी से ये यूज कहते हुए ये कहना है कि तो आप कहेंगे आई ब्रोक अप विद हिम इस तरह से बोलेंगे या विद हर इस तरह से बोलेंगे ठीक है जब आपने ब्रेक ऑफ यूज़ करना है तो आप कहेंगे आई ब्रेक इट ऑफ विद हिम या आई ब्रेक इट ऑफ विद हर ठीक है ये ब्रेक ऑफ को ना ब्रेक इट ऑफ करके आपने बोलना है ठीक है इसके इस्तेमाल करने के बस तरीके हैं ब्रेकअप बोलेंगे तो ब्रेकअप विद हिम या ब्रेकअप विद हर या ब्रेक इट ऑफ विद हिम या ब्रेक इट ऑफ विद हर इस तरह करके आप बोलेंगे जो भी आपने दोनों में से सेंस में यूज़ करना है अब जो ये न्यूज़ पेपर्स में यूज़ होता है ब्रेक ऑफ न्यूज़ पेपर्स में ये यूज़ होता है जब दो कंट्रीज़ का रिलेशनशिप जो है ना वो आपस में खराब जैसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस अगर ख़राब हो जाए तो आप कहेंगे द डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज ब्रोक ऑफ ठीक है आप ये पढ़ेंगे न्यूज़ uh, पेपर में कि दो कंट्रीज़ के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे वो ब्रोक ऑफ हो गए मतलब कि वो टूट गए वो ख़त्म हो गए या कन्वर्सेशन जैसे मैंने लिखा हुआ है कि उनके दरमियान में कोई टॉक्स हो रही है कोई हो सकता है कि पीस टॉक्स हो रही हो या किसी और मुद्दे को लेकर जो है ना वो किसी भी इशू को लेकर दो कंट्रीज़ के बीच में कोई भी बातचीत चल रही है अगर वो बातचीत खत्म हो जाए तो आप कहेंगे कि उन, उन, वो जो पीस टॉक्स ब्रोक ऑफ बिटवीन बोथ द कंट्रीज ठीक है कि दोनों कंट्रीज के दरमियान में जो पीस टॉक्स थी वो खत्म हो गई हैं जैसे आप कह सकते हैं कि टॉक्स ऑन कश्मीर ब्रोक ऑफ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कि कश्मीर के ऊपर जो टॉक्स चल रही थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में वो ब्रेक ऑफ हो गई मतलब कि वो खत्म हो गई मतलब वो आ, सफल नहीं रही हैं वो कामयाब नहीं रही हैं ठीक है जी अच्छा जिसका सेंटेंस है द पीस टॉक्स ब्रोक ऑफ बिटवीन द टू कंट्रीज के दोनों कंट्रीज के में जो भी पीस की जो भी अमन की जो भी आ, वो बातचीत चल रही थी अब वो खत्म हो गई ठीक है जी नेक्स्ट है जी ब्रेक थ्रू ब्रेक थ्रू जो है ना सडन सक्सेस इसके लिए यूज ना ये आपने इसको सुना होगा जब ये गेम्स चल रही होती हैं जो मतलब कि ये एक ब्रेक थ्रू था वो विकेट जैसे क्रिकेट में कहना कि अगर कोई पार्टनरशिप जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है दो बैट्समैन की और अगर उसमें से एक विकेट ले ली गई ना तो कहेंगे कि ये जी बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है मतलब कि एक सडन सक्सेस होगी अब मैच जीतने के चांसेज आ गए हैं जो भी टीम जो है वो बॉलिंग कर रही है ठीक है वो ये कहते हैं कि हमारे लिए ब्रेक थ्रू हो गया है किसी भी चीज़ में अगर आपको एक बड़ी क्रोशल किस्म की और एक बड़ी अच्छी किस्म की सडन वाली एकदम से सक्सेस मिल जाए ना

लोग अगर उसको तोड़कर आगे आ, आ जाए तो वो उन्होंने ब्रोक थ्रू किया है या ब्रेक थ्रू किया है उसको ठीक है जी ब्रेक को ब्रोक या ब्रोकर अपने टेंस के हिसाब से यूज करना है जैसे अब इसके सेंटेंसिस हम देखते हैं आई एम लुकिंग फॉर अ ब्रेक थ्रू इन माई बिजनेस कि में कोई बिजनेस कोई इंसान कर रहा है और उसमें उसको बस एक सक्सेस की ना जो मिलती है कि जिससे मेरा बिजनेस एकदम से उठ जाए क्योंकि वो बड़ी कोशिश कर रहा है तो उस ब्रेक थ्रू की तलाश में मतलब कि उस सक्सेस की तलाश में है कि कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे मेरा बिजनेस एकदम से जो है ना मुझे वो कामयाबी मिले और मेरा बिजनेस चलने लग जाए अच्छा जी सेकेंड है प्रोटेस्टर्स ब्रोक थ्रू द गेट एंड द बिल्डिंग के जो प्रोटेस्टर्स थे वो गेट uh, को तोड़कर अंदर आ गए अच्छा अब हमने ब्रेक इन या ब्रेक इन टू भी तो पढ़ा है उसमें भी तो यही ना किसी बिल्डिंग में आ, मतलब कि बाय फोर्स जो है वो कुछ कोई इंसान अंदर घुस जाए तो उसको अगर उसको यूज करना है तो उसको कहेंगे द प्रोटेस्टर्स ब्रोक इन द बिल्डिंग ठीक है ये ब्रोक इन टू द बिल्डिंग ठीक है अब हम ब्रेक थ्रू द गेट नहीं कहेंगे मतलब क्या बनेगा द प्रोटेस्टर्स ब्रोक इन द बिल्डिंग यहाँ ब्रोक इन टू द बिल्डिंग का मतलब बन जाएगा कि वो जबरदस्ती प्रोटेस्टर्स जो थे जो भी एहतजाज करने वाले लोग थे वो जबरदस्ती बिल्डिंग में घुस गए जब हमने ये कहा कि ब्रेक ब्रोक थ्रू द गेट अब इसका मतलब बन जाएगा कि वो गेट तोड़कर जबरदस्ती बिल्डिंग में घुसे ठीक है जुमले का बस सेंस थोड़ी सी चेंज uh, हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर हम जो बैरियर है ना वो गेट है तो गेट को तोड़ के ब्रेक थ्रू हम तब यूज करेंगे जब किसी बैरियर को तोड़ा गया है ठीक है उसको तोड़कर फिर कोई आगे को गया है ठीक तो है तो इस वजह से जब गेट चुके एक बैरियर है तो ब्रोक थ्रू कहेंगे अगर आप ब्रेक इन कहेंगे या ब्रेक इन टू कहेंगे ब्रोक इन या ब्रोक इन टू यूज करना चाहेंगे तो फिर जस्ट लिखेंगे द प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्टर्स ब्रोक इन टू द बिल्डिंग ठीक है कि वो जबरदस्ती बिल्डिंग के अंदर घुस गए ठीक है जी अच्छा जी नेक्स्ट है जी ब्रेक ओपन ब्रेक ओपन का मतलब होता है टू ओपन समथिंग बाय फोर्स कोई चीज है उसको जोर लगाकर आपने खोला है किसी चीज का ढक्कन है कोई दरवाजा आपने uh, जो है ना वो जोर लगा के खोला है किसी भी चीज को अगर जोर लगाकर आपने खोला है तो आपने ब्रेक ओपन किया है उसको ठीक है जैसे इसका सेंटेंस है ही ब्रोक ओपन द लिड एंड ऑल द लिक्विड्स आउट। कोई किसी बोतल का ढक्कन है वो वो जोर लगाकर खोला और उसके अंदर जितना भी लिक्विड था, वो सारे का सारा बाहर को बह गया, ठीक है बाहर को निकल आया, मतलब आउट जी? जी, का मतलब होता है टू स्टॉप डूइंग समथिंग दैट यू प्रीवियसली ये हम यूज करते हैं ज्यादातर जो पुरानी ट्रेडिशंस कुछ चलती आ रही हो कोई कस्टम्स पुराने चलते आ रहे हो या कोई रवायत चलती कोई, कोई एक स्पेसिफिक काम है जो कोई इंसान या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंट्री या कोई कल्चर या कोई फैमिली कोई मतलब के बहुत अरसे से कर रहे हैं अब आपने वो चीज़ छोड़ दी है और उसकी जगह भी आप कुछ और करने लगे हैं तो आपने ब्रेक विद किया है उस पुरानी जो भी चीज़ आप करते हुए आ रहे हैं जैसे कि इसका सेंटेंस देख लें टू कीप थिंग्स सिंपल वी ब्रोक विद ऑल वेडिंग ट्रेडिशंस ठीक है कि चीज़ों को सादा करने के लिए कि हमारी शादी सादा हो जाए तो जितनी भी पुरानी शादी से में जो ट्रेडिशंस जो रवायत जो चलती आ रही है हमने सारी वो उसके साथ हमने ब्रेकअप कर लिया ये समझ लीजिए ब्रोक विद ठीक है कि हमने उनके साथ जो ना रिश्ता नाता तोड़ दिया कि हमने क्योंकि उनको तोड़ना पड़ता है ट्रेडिशंस को छोड़ना पड़ता है ठीक है तो चीजों को सिंपल रखने के लिए वी ब्रोक विद ऑल वेडिंग ट्रेडिशंस के जो हमारी शादियों पे जितने भी ट्रेडिशंस वगैरह होते हैं तो उस सब के साथ हमने जो <laughs> रिश्ता या नाता था वो तोड़ दिया अच्छा जी नेक्स्ट है जी ब्रेक अवे ब्रेक अवे का मतलब होता है टू लीव और टू एस्केप फ्रॉम समवन ठीक है किसी जगह से भाग जाना या किसी इंसान से जान छुड़वा के भाग जाना तो आपने ब्रेक अवे किया है ठीक है कोई किसी किसी इंसान से या किसी आ, चीज़ से वैसे ज़्यादातर ये किसी इंसान के लिए यूज होता है टू लीव किसी इंसान को छोड़ जाना या किसी इंसान से भाग जाना जान छुड़वा के ठीक है तो आपने ब्रेक अवे किया है जैसे कि सेंटेंस है आशी मैनेज टू ब्रेक अवे ही स्ट्रॉन्ग ग्रिप ठीक है उसने बड़े जोर से कहीं उसको पकड़ा हुआ था और शी मैनेज टू ब्रेक अवे के मतलब वो उससे जो ना जान छुड़वा भागने में ना वो कामयाब हो गई उसकी जो स्ट्रॉन्ग ग्रिप थी उस ग्रिप से छुड़ खुद को छुड़वा के भागने में वो कामयाब हो गई ठीक है जी नेक्स्ट है ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन के दो मतलब है अ मशीन और व्हीकल वर्किंग कोई आपकी मशीन है कोई भी घर में जो हम यूज करते हैं जितने भी अगर वो काम करना छोड़ दे या आपकी गाड़ी का एकदम से काम करना छोड़ दे तो वो ब्रेक डाउन हो गई है ठीक है जी इसी तरह से जो सेकेंड है वो है अनएबल टू कंट्रोल योर इमोशंस किसी इंसान को कहते हैं ना हो शी ब्रोक डाउन मतलब क्या कि कुछ कोई बुरी खबर सुनी और आप उस मत अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए और आप रोना स्टार्ट कर दें तो इसको भी ब्रेक डाउन कहते हैं ठीक है एकदम से आप इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाए और आप रोना स्टार्ट कर दें तो आपका ब्रेक डाउन हो रहा है और कोई चीज़ आपकी काम करना जो है वो स्टॉप कर दे तो वो भी चीज़ जो है ना आपकी वो ब्रेक डाउन कर रही है ठीक है जी जैसे कि यह है माई कार ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ द रोड कि मेरी जो कार थी वो बिल्कुल सड़क के दरमियान में ना एकदम से रुक गई मतलब कि उसने चलना बंद कर दिया ठीक है अच्छा जी सेकेंड है जी ब्रोक डाउन एंड स्टार्टेड क्राइंग कि वो एकदम से जो ना वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने रोना शुरू कर दिया किसी भी वजह से किसी भी सिचुएशन में हो सकता है ठीक है जी और जी फ्रेंड्स यहाँ पे लेसन खत्म होता है लेसन अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नाफिज